हैव यू एवर नोटिस्ड कि हम जितना ज़्यादा चीज़ों के प्रति अवेयर होते जाते हैं ना, उतना ही ज़्यादा हमारा कॉन्फिडेंस कम होता जाता है। इसके पीछे एक बहुत इम्पॉर्टेंट पावरफुल इफेक्ट काम करता है, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। हाय गाइस, थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय, थैंक यू फॉर स्टेपिंग इन इनटू योर ओन हीलिंग प्रोसेस, बिकॉज वी ह्यूमन बीइंग वी को क्रिएट, वी कोऑपरेट, वी को रेगुलेट विद ईच अदर। हमारी हीलिंग का इस ह्यूमैनिटी पर इफेक्ट पड़ता है, सो कीप ऑन डूइंग योर इनर वर्क। गाइस, आज का जो टॉपिक है ना, उसमें मैं शेयर करने वाली हूँ एक इफेक्ट के बारे में। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा ना आपको बता दूं ये कैसे हमारी लाइफ में हर रोज हम महसूस कर रहे हैं, गो थ्रू हो रहे हैं। जैसे बहुत सारे क्लाइंट्स मेरी कोचिंग में आते हैं, ठीक है, वो इनर वर्क और शैडो वर्क करना चाहते हैं। जब वो आते हैं देन आई आस्क देम डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस। मैं उनके चाइल्डहुड के बारे में जानना शुरू करती हूँ, उनके लाइफ के बारे में जानना शुरू करती हूँ, एंड देन थोड़े टाइम बाद दे सी दैट कि मैम मेरे अंदर इतने सारे फ्लॉज हैं, मैम आई एम फीलिंग सो अंडर कॉन्फिडेंट, लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है अपने बारे में जानकर। पहले जब वो आए थे ना, दे वर अनअवेयर अबाउट देमसेल्व्स, ठीक है। थोड़े टाइम बाद मेरे साथ जो है क्वेश्चंस का आंसर करते करते दे बिकम अवेयर अबाउट देयर फ्लॉज, क्योंकि शैडो वर्क इज व्हाट, अपने सारे फ्लॉज को जानना एंड उनको एक्सेप्ट करना। देन उस टाइम ना उन्हें एक बड़ा एक सेटबैक लगता है, उन्हें बड़ा बुरा लगता है कि मैम इतने सारे फ्लॉज हैं मेरे अंदर, मतलब मैं कैसे इस लाइफ में सर्वाइव करूं विद सो मैनी फ्लॉज। देन आई मेक देम अंडरस्टैंड कि यही तो हम यहाँ पर करने आए हैं, हम अपने फ्लॉज को छुपा नहीं सकते, वी कैन नॉट बी इनसिक्योर अबाउट आर फ्लॉज, क्योंकि अब जितना ज्यादा इन फ्लॉज को छुपाएंगे ना, उतना ज्यादा ये हमारे अंदर घर बना लेंगे, उतना ही ज्यादा हमारे अंदर वुंड्स क्रिएट हो जाएंगे और ये हमारी इस फिजिकल बॉडी को जो है हार्म करने लग जाएंगे। ऐसा ही होता है जब हम किसी चीज की स्टार्टिंग करते हैं, वी आर कम्प्लीटली अनअवेयर अबाउट दैट, और जब हम चीजों के बारे में अनअवेयर होते हैं उस टाइम सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। अच्छा, इस इफेक्ट का नाम है ड्यूनिंग क्रूगर इफेक्ट। इनको दो साइंटिस्ट ने डेवलप किया था, एक के नाम का सरनेम है ड्यूनिंग, दूसरे के नाम का सरनेम है क्रूगर। तो इन दो साइंटिस्ट ने इस इफेक्ट को क्रिएट किया था, इस मतलब ये नाम दिया था, रिसर्च किया था इस बारे में। इस इफेक्ट में क्या होता है, जैसे कि जब हम कोई भी नई स्किल सीखना शुरू करते हैं ना, हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं कि हम तो ये उखाड़ लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो मुझे भी आता है। लेकिन जैसे हम उस स्किल के अंदर पैर रखते हैं, उसके बारे में जानना शुरू करते हैं, रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं जब हम उनको देखना शुरू करते हैं, देन यही जो कॉन्फिडेंस था ना हमारा, जो हम ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे थे, ये कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, क्योंकि हमें ये पता लगने लग जाता है कि यार अब कितनी ज्यादा डिफिकल्टी है ना। लेट सपोज मुझे एक आइडिया आया कि कुकिंग तो मैं भी कर सकती हूँ, लोग कुकिंग करके वीडियो बना के पैसा कमा रहे हैं, कुकिंग तो मैं भी कर सकती हूँ, वाह, मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गई कि मैं भी वीडियो बना सकती हूँ और वीडियो बनाकर लाखों रुपए कमा सकती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट डे मैंने कुकिंग करना शुरू किया और मैंने वीडियो बनाना शुरू किया, और जब मैंने वीडियो बनाकर उसको देखा तो पता चला, ओ माय गॉड, कितनी गंदी वीडियो बनाई है मैंने, कोई एंगल्स ही नहीं देखे, ये तो इतना ब्यूटीफुल नहीं है जितना टीवी पर दिखाया जाता है या हम वीडियोस में देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते, उतना तो ब्यूटीफुल नहीं है। तो हम उस चीज को सुधारने की कोशिश करते हैं, अलग अलग एंगल्स ट्राई करते हैं, अलग अलग टाइप से हम उसको एडिटिंग करते हैं। देन फिर हमें समझ आता है कि यार हर बार एंगल से कुछ नहीं होगा, हमें क्वालिटी भी चाहिए, हमें साउंड इफेक्ट भी चाहिए, हमें ना एल्गोरिथम को भी समझना है कि सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल होते कैसे हैं, है ना। परफेक्ट एक टाइटल भी चाहिए, हमें एक बहुत अच्छा थंबनेल भी चाहिए, हमें एक डिस्क्रिप्शन भी लिखना है ना। तो ये सारी चीजें हमें पता लगती है कि हमें ये सारा करना है, हमारा कॉन्फिडेंस चला जाता है बहुत ज्यादा नीचे। तो आपने देखा कैसे जब मुझे वीडियो बनाने का नहीं पता था तो मुझे लग रहा था मैं बना लूंगी, बहुत कुछ हो जाएगा, है ना, पैसे आ जाएंगे। लेकिन जैसे पता चला मैं डीप डाउन वीडियो बनाने के उस स्किल के अंदर घुसी, तो पता लगा कि बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे अभी भी जाननी है और मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा कम हो गया। ऐसा ही हमारे इनर वर्क और शैडो वर्क में होता है, हमें ऐसा लगता है अरे वाह, हमने देखा इनर वर्क और शैडो वर्क का वीडियो, ये तो मैं भी कर लूंगी। हम करने लगते हैं तब पता चलता है कि हमें बहुत सारे हमारे फ्लॉज को एक्नॉलेज करना है, बहुत सारे फ्लॉज जो हमने बहुत पहले से हमारे अंदर देखे हैं उनको एक्सेप्ट करना है ना, बहुत सारी चीजों को ओवरकम करना है, बहुत सारा बैगेज जो हमने अपने ऊपर लाद रखा है उसको लेट गो करना है ना। तो बहुत कुछ आता है इस बीच में, लेकिन एक बात आपको कह दूं, अगर हम इसी स्टेट के अंदर अगर हार ना माने और वी जस्ट कीप ऑन गोइंग, तो एक स्टेज आएगी जब आपको ये भी पता होगा कि एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है, टाइटल भी आप कैसे लगाते हैं, थंबनेल भी कैसे लगाते
हैं, आपको क्या स्किल आनी चाहिए, साउंड इफेक्ट एंड ऑल, तो आप प्रो हो जाते हैं उसमें, क्योंकि आप उसको बार बार करते हैं एंड देन यू बिकम प्रो और आप उस फील्ड में जो है बहुत अच्छा करने लग जाते हैं। आपको याद है मेरा एक वीडियो फोर स्टेजेस ऑफ अवेयरनेस या फोर स्टेजेस ऑफ कॉन्शियसनेस, जहां पर मैंने पहली स्टेज बताई थी अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। हम अनकॉन्शियस है, हमें पता ही नहीं कि हमें क्या नहीं पता। उस स्टेज में ना इंसान सबसे ज्यादा विक्टिम प्ले करता है, उसी स्टेज में सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है, उसी स्टेज में सबसे ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होता है, क्योंकि उसे अपने फ्लॉज के बारे में नहीं पता हो। तो जैसे जैसे हम ये स्टेजेस ऊपर चढ़ते जाते हैं ना, अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस देन कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, जहाँ पे हमें नहीं पता कि हमें क्या करना है, लेकिन हमें ये पता है कि कुछ एरिया है जहाँ पे हमें कुछ स्किल्स को लर्न करना है, देन हम उन स्किल्स को लर्न करना शुरू कर देते हैं। हम अभी तक कॉम्पिटेंट नहीं हुए, हमने उस स्किल को मास्टरी नहीं कर लिया है, लेकिन हम कॉन्शियस हैं, कुछ तो चीजें हैं जो मुझे नहीं पता है, तो हम उन स्किल्स को लर्न करना शुरू करते हैं। नंबर थर्ड स्टेज में हम क्या करते हैं, हम प्रैक्टिस करते, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, और फिर हम नंबर फोर्थ स्टेज में हम प्रो हो जाते हैं। तो ये जो ड्यूनिंग क्रूगर इफेक्ट है, जो ओवर कॉन्फिडेंस का इफेक्ट है, उसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है जिसमें सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हम होते हैं या ओवर कॉन्फिडेंट हम होते हैं जब हम पहली स्टेज में होते हैं, विक्टिम स्टेज में होते हैं, अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस की स्टेज में होते हैं। देन इस चीज का जो है पावर कम होता जाता है टाइम के साथ, जैसे जैसे हम अवेयर होते जाते हैं कि मुझे स्किल नहीं आती है, फिर हम उसको प्रैक्टिस करते हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, देन प्रो हो जाते हैं। ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना, ये कम हो जाता है, ये ओवर कॉन्फिडेंस चेंज हो जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में। हम रियली अवेयर हो जाते हैं कि किन चीजों की हमारे अंदर कमी है, क्या चीजें हमें आती हैं और क्या चीजें हमें नहीं आती है। ठीक है, तो ये ड्यूनिंग क्रूगर इफेक्ट एक इस तरीके के ग्राफ है, आप ऐसे समझ सकते हैं। जब हम अनअवेयर होते हैं, विक्टिम प्ले करते हैं, तो इट्स लाइक कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन जब हम अपने फ्लॉज को देखते हैं, इनर वर्क करते हैं, कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत कम हो जाता है। लेकिन फिर जब हम प्रैक्टिस करते हैं, अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करते हैं एंड जितने भी हमारे शैडोज हैं उनको इंटीग्रेट करते हैं, अपनी इनसिक्योरिटीज को ओवरकम करते हैं, ये जो ओवर कॉन्फिडेंस था ना, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में मतलब रियल कॉन्फिडेंस के अंदर चेंज हो जाता है, देन ये कॉन्फिडेंस का ग्राफ फिर से बढ़ जाता है। इट्स लाइक ग्राफ ऊपर गया, नीचे आया, जैसे जैसे हम अवेयर हुए अपने फ्लॉज को लेकर, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस किया, मास्टर किया ना, फिर ये कॉन्फिडेंस वापस बढ़ गया। तो दिस इज लाइक ड्यूनिंग क्रूगर इफेक्ट। जितना हम खुद को जानने लग जाते हैं, उतने फ्लॉज का हमें पता लगने लग जाता है। बट हमें हार नहीं माननी है, हमें ये नहीं सोचना है कि आई एम द पर्सन विद लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, मेरे अंदर कितनी बुरी चीजें हैं, हमें ये नहीं सोचना है, हमें बस करते जाना है, अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करते जाना है, अपनी इनसिक्योरिटीज को ओवरकम करते जाना है, अपना इनर वर्क, अपना शैडो वर्क करते जाना है, उसके बाद आएगा कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो अगर आप रियली किसी भी फील्ड में कॉन्फिडेंस चाहते हो ना, तो आप ये समझ लो आपको उस स्किल को मास्टर करना पड़ेगा। लेट सपोज आप कॉन्फिडेंस चाहते हो इंग्लिश स्पीकिंग में, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको उस फील्ड में एंटर होना है, उस स्किल में एंटर होना है, आपको नोटिस करना है उस स्किल के सब पार्ट्स क्या है, आपको लर्न करना है कि वो कैब क्या होती है, एक पावरफुल वोकैबुलरी आपको लर्न करनी है, पंचुएशन पे ध्यान रखना है, आपको अपने टोन्स पर ध्यान रखना है ना। इस तरीके से जब आप उनके सब स्किल सीखेंगे प्लस उसको प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप उस स्किल को प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप उसको मास्टर करते जाएंगे, जितना आप उस स्किल को मास्टर करते जाएंगे उतना ही ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो बढ़ता जाएगा। वो कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होगा जो इन द स्टार्टिंग होता है, जब हम किसी स्किल को देखते हैं और हम ये सोचते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, वो ओवर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि हमें उस स्किल के अंदर के जो सब पार्ट्स हैं उनका नहीं पता है अभी तक, है ना। जैसे मैंने यूट्यूब वीडियो बनाने का जो बताया कि पहले मैं सोचती हूँ हाँ मैं बना सकती हूँ, जब मैं उसके अंदर घुसती हूँ तब मुझे पता चलता है कि मुझे कैमरा सेटिंग्स भी देखना है, मुझे साउंड इफेक्ट्स क्या होते हैं वो भी देखना है, टाइटल डिस्क्रिप्शन ये वो एल्गोरिदम सब कुछ जानना है, है ना। लेकिन यहाँ पर ये बात कहूंगी, अगर आप किसी भी चीज की शुरुआत कर रहे हो, जब आप शुरुआत कर लेते हो उसके बाद इतना ज्यादा ओवरवेल्म आना, इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी आना, इतना ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंस आना, मतलब खुद के ऊपर डाउट होना, सब नॉर्मल है। यू हैव टू जस्ट कीप ऑन गोइंग, आपको बस चलते जाना है विदाउट ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचे समझे, बस आपको चलते जाना है। इस चीज को आपको याद रखना है कि किसी भी चीज को मास्टर करने के लिए आपको इस चीज से गो थ्रू होना ही पड़ेगा, इसी के पार आप जो है किसी भी स्किल को मास्टर कर सकते हो।
आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बेटा आ रही हूँ, 5 मिनट में आई। लावो इधर आई। 2 मिनट रुकना है ना, 2 मिनट। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, 2 मिनट में इसको पूरा कर लूँ, फिर अपन बात करते हैं, ठीक है।